तूतीकोरिन में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। वहीं हिंसा पर काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में एक व्यक्ति के मारे जाने और 3 अन्य के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। ये लोग वेदांता के स्टारलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें से 11 लोगों की मौत हो गई थी। उधर रजनीकांत ने एक वीडियो मैसेज ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। इस बीच सरकार ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुण जगदीशन को नियुक्त किया है। उधर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब उधर गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब किया है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच ने स्टार लाइट प्लांट के नए कॉपर स्मेल्टर तांबा गलाने वाली यूनिट के निर्माण पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को कॉपर प्लांट जानकारी के अनुसार कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारी प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देकर लंबे समय से कारखाने को बंद कराने की मांग कर रहे थे। वेदांता लिमिटेड की कंपनी ने हाल ही में प्लांट के विस्तार की घोषणा की थी, जिसके बाद से लोगों का प्रदर्शन तेज हो गया था। वहीं कंपनी का कहना था कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। डीएमके नेता ने इसे निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या बताया, जबकि मक्कल निधि मध्यम के प्रमुख कमल हासन ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालचाल जाने। कमल हासन ने प्लांट को बंद कराने की मांग की है। तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर एक बस को आग लगा दी। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को गोलीबारी को लेकर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किए हैं। मक्कल निधि मध्यम के प्रमुख कमल हासन ने अस्पताल जाकर घायलों का जायजा लिया और उनका हालचाल पूछा। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने कहा कि गोलीबारी का आदेश किसने दिया, इसे जानना जरूरी है। केवल मुआवजे की घोषणा से बात नहीं बनेगी।